इस सेशन में जो है हमने डिसीजन मेकिंग को एक बार फिर से रिवाइज किया था और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस जो खासियत कंप्यूटर की है जो शुरू से आया उसके बारे में हमने कोई जानकारी ज़्यादा ली थी। ये हमने बताया था कि C++ डब्बों के साथ किस तरह से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, ये जो असल में इंटरेक्शन होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हो। मैंने जो बताया कोई मेन डब्बो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह से करते हैं। लेस लॉक कैलकुलर CPU, असल में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें ओरिजिनल कमांड थी मोर। सो मोर का मतलब था ये जो लॉक कैलकुलर CPP एक फाइल है, मेरा प्रोग्राम उसमें लिखा हुआ, वो फाइल बड़ी भी हो सकती है, 5000 लाइन हो सकती है उसमें, 10000 लाइन हो सकती है, 5 लाइन भी हो सकती है, मुझे मालूम नहीं कितनी लाइन है। अब अगर 10000 लाइन हो और उसको मैं बोल दूंगा कि पूरी की पूरी प्रोग्राम यहाँ पे बताओ, उसके लिए कमांड है कैट, तो पूरी की पूरी 10000 लाइन बताएगा, लेकिन 10000 लाइन तो आती नहीं मेरे टर्मिनल पे, तो शुरू की लाइन गायब हो जाएंगे और मुझे खाली आखिरी की 20-25 लाइन दिखेंगे। अब जब भी मुझे मालूम नहीं कि उस प्रोग्राम में कितनी लाइन है तो मैं वो बड़ा डम्बो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डम्बो उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे lockcalc.cpp नाम का प्रोग्राम देखना है, लेकिन धीरे धीरे देखना। तो लेस का मतलब है एक स्क्रीन में जितनी लाइनें आएंगी उतनी बताओ, उसके बाद में कोई मैं बटन दबाऊंगा फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ, तो उसकी भाषा अलग है तो उसको लेस बोलते। अच्छी भाषा में हम क्या लिखना चाहेंगे, एक पेज बताओ एक टाइम में, तो उसके लिए कोई कमांड होना चाहिए, शो पेज। तो ये भी आप एक लिख सकते हैं कि ये अच्छा सुझाव है कि भैया लेस या ऐसे न समझ आने वाली जगह हम शो पेज अगर कोई बताओ तो समझ में आता है, शो पेज दिस प्रोग्राम, यानी पेज बाय पेज बताओ, या कमांड पेज बाय पेज, ये भी कमांड हो सकती है। आप असल में ऐसी कमांड लिख सकते हैं खुद, आपको लेस यूज करने की जरूरत नहीं। और डम्बो में एक बड़ी खासियत है कि आप वो बोलेंगे कि भाई आज के तारीख के बाद में इस कमांड के जगह अगर मैं ये कहूँ तो इसका मतलब भी यही होता है। वो कैसे करेंगे ये आप अभी इस कोर्स में आगे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इट इज अ गुड ऑब्जर्वेशन। लेस का मतलब खाली इतना है कि भाई जितना मुझे मैं देख सकता हूँ एक बार में उतना ही बताओ, रुक जाओ, वो पूरा स्क्रीन आगे मत जाओ, बाकी कुछ। ये लॉगरिथम कैलकुलेशन का प्रोग्राम है, ये हमने पहले प्रोग्राम देखा था उसके बाद में उसका एनालिसिस किया था। न्यूमेरिकल एनालिसिस करके एक कोर्स होता है, आप लोग आगे जिस डिपेंडिंग अपॉन जिस ब्रांच में आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के शायद और कोर्सेज करेंगे, लेकिन इस तरीके के जब भी कोई इंटीग्रल या डेरिवेटिव या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस 100 डिफरेंशियल इक्वेशंस एट्सेट्रा जो एनालिटिकली सॉल्व इजीली नहीं की जा सकती, उसको कंप्यूटेशनली सॉल्व कैसे किया जाए, उस ब्रांच ऑफ स्टडी को कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये जो हमने प्रॉब्लम लिया है या न्यूमेरिकल एनालिसिस का प्रॉब्लम है कि हम लॉगरिथमिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं लॉगरिथम वैल्यू के, और लॉग वैल्यू के जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा है कि एक 1000 के प्रिसीजन में एक नंबर अगर आपको दिया गया तो उसका एक लॉग निकाल के बताइए, ये उसका कैलकुलेशन। सो एरिया इज इक्वल टू एरिया प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस आई माइनस 1 इंटू डब्ल्यू एटसेट्रा एटसेट्रा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सर यहाँ पे जो प्रिसीजन लिखा है इसका क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो प्रिसीजन है ये कोई वेरिएबल है, इसकी जगह हम कोई भी नाम दे सकते थे। ये प्रिसीजन का मतलब जब इस सवाल को हमने आगे एनालाइज किया है वहाँ पे समझ आएगा कि प्रिसीजन का क्या मतलब। ये जो मैंने शुरू में पूरा प्रोग्राम लिख दिया था कि डम्बो के लिए इस तरह का प्रोग्राम लिखेंगे तो लॉगरिथम कैलकुलेट करेगा, लेकिन ये प्रोग्राम में क्यों लिखा है हमने, जिसे आपने पूछा प्रिसीजन, प्रिसीजन का क्या मतलब है, ये 1 प्लस आई माइनस 1 इंटू डब्ल्यू क्यों लिखा है, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है तो इसका नेचुरल मकसद तो कुछ होना चाहिए हमारे पास, तो ये मकसद हम इसके बाद में समझेंगे। मैंने खाली पहली दो स्लाइड में लिख दिया था प्रोग्राम कि डम्बो को अगर ये प्रोग्राम दे दो ये कैलकुलेट करके बताए, ये समझने के लिए अगली स्टाइल। ये जो प्रोग्राम है इसमें थोड़े मॉडिफाई किए थे हमने, ये इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, लॉग कैल्क मल्टीपल प्रिसीजन, तो इसमें प्रिसीजन 10, प्रिसीजन 100, प्रिसीजन 1000। अब ये प्रिसीजन का मतलब नॉर्मल प्रिसीजन नहीं है, जो हम बोलते हैं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, वो प्रिसीजन का मतलब नहीं है। ये प्रिसीजन का क्या मतलब है ये हम अभी प्रोग्राम में देखते हैं। इसके पहले हम वैल्यूज देखते हैं किस तरह की वैल्यू हैंडल कर सकता है डम्बो। सो इंटीजर वैल्यूज हैंडल कर सकता है, सबसे बड़ा नंबर होता है 2 रेस टू पावर 31 -1 और -2 टू द पावर
2^31-1, ये जो रेंज होती है ये अपने कंप्यूटर के ऊपर निर्भर करती है। डबल प्रिसीजन या लॉन्ग इंटीजर जो होते हैं वो लॉन्ग इंटीजर इससे ज़्यादा वैल्यू बड़ी रख सकते हैं। इसका हमारे लिए सिर्फ इतना सिंपल मकसद है कि जो भी वैल्यू हम इंटीजर बोलेंगे उसकी कोई एक बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी, उसके ज़्यादा की वैल्यू वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर की लिमिटेशन। अगर बड़ी वैल्यूज हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए दूसरा एक डेसिमल नंबर सिस्टम के इक्विवेलेंट हमें सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये फ्लोट वाई बोलेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में नंबर स्टोर करता है। इसका हमने देखा था इंटरनली जो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट है उसमें एक मैंटीसा रहता है और एक एक्सपोनेंट रहता है। उस तरह के वैल्यू जो है वो ऐसी डिनोट की जाती है m मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू e। सो इसको हम एक्सपोनेंट एक कोई इंटीजर नंबर होगा, m भी इंटीजर नंबर होगा। तो ये दो इंटीजर नंबर को अगर इस तरह से इंटरप्रिट किया जाए कि भाई ये मैंटीसा है ये एक्सपोनेंट है तो वैल्यू इमीजिएटली अलग बन जाती है। ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और हर डम्बो इस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को जानता है। तो ये जैसे मैंने बताया था कि -41711, इसका मतलब ये हम ले सकते हैं कि 0.4127 मल्टीप्लाइड बाय 10^11। तो ये एक्सपोनेंट हो गया, ये मैंटीसा हो गया। अगर हमने मैंटीसा 19462 लिखा है और एक्सपोनेंट -21 लिखा तो इसका मतलब होगा 0.19462 मल्टीप्लाइड बाय 10^-21। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है, ये जो दो हिज्जे हैं इस नंबर के, ये दोनों अपने आप में इंटीजर नंबर्स, ये फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं। क्योंकि इंटीजर नंबर ठीक से स्टोर करने की सुविधा है, एग्जैक्टली स्टोर करने की सुविधा, उसमें अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं। लेकिन इन दो नंबरों को लेकर उसका जो इंटरप्रिटेशन डम्बो करेगा वो इस तरह से करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। या सर, कल मैं वो n factorial वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख रहा था। हाँ। तो उसमें सर 25 डाला इनपुट, 25 फैक्टोरियल निकालो तो सर उसका रिजल्ट 0 आ गया। हाँ, क्यों आ गया सोचिए आप। वो सर 10^9 के मतलब रेंज में रहने से उसलिए आ गया क्या? हाँ, अगर आप पीछे देखें पिछली स्लाइड में, ये देखिए 2^31 इज ऑलमोस्ट 2 × 10^9। इसके आगे अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो डम्बो क्या करेगा? डम्बो जो आगे वाले इंटीजर है वो उड़ा देगा। उसके पास मान लीजिए कि 9 इंटीजर की बॉक्स रखी है, 9 डिजिट्स की, वो कैलकुलेट तो करेगा, हो सकता है इंटरनल कैलकुलेट वो 50 डिजिट का भी करे, लेकिन जो स्टोर करेगा वो खाली आखिरी के 9 डिजिट स्टोर करेगा। अब आप फैक्टोरियल 23 में 9 से ज़्यादा तो 0 है ही, तो जो 9 की जो बॉक्स है उसमें 0 रह गए, तो जब इन्होंने प्रिंट किया तो 0 आ गया। तो डम्बो वास्तव में डम्बो है। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उस लिमिट के आगे पीछे वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा वैल्यू। तो इंटीजर में भी इस तरह से लिमिटेशंस है, फ्लोटिंग पॉइंट में भी इस तरह से लिमिटेशन, और ये लिमिटेशंस जानना बहुत ज़रूरी। तो एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, मे बी वी कैन थिंक ऑफ एन एक्सरसाइज वेयर वील जस्ट आस्क देम टू एक्सप्लोर द लिमिट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस C++ कंपाइलर। So try to write a simple program, add two numbers, keep changing a number and see what happens, at what time it goofs up. Ki addition theek nahi ho raha hai, subtraction theek nahi ho raha hai, multiplication theek nahi ho raha hai. Do number alag alag represent kiye ja sakte hai, uska multiplication nahi hota hai. Maan lijiye 10^4 aur 10^8 aur 10^8, aise do number hai. Aur inko multiply kiya aapne, to result hoga 10^16, wo gadbad ho jayega, precision nahi aa payega. तो इस तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि कौन सा नंबर किस रिप्रेजेंटेशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या, और कैलकुलेशन के दौरान कभी भी उस वैल्यू से ज्यादा या कम हुई तो उसका रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, गलत मिलेगा। यस, दैट इज करेक्ट। मिनिमम निगेटिव नंबर इज -2^31। यह मैंने इसलिए लिखा था कि लोगों को समझने में आसानी हो, अदरवाइज आई हैव टू एक्सप्लेन। ओके, सिंस ही हैज रेज्ड दिस इशू, एक इंटरनल रिप्रेजेंट जो होता है नंबर्स का वो बाइनरी नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, base 2। तो उस सिस्टम में जब हम निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के बड़े अलग अलग तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि एक साइन के लिए आप रिजर्व कर दो प्लस या माइनस, और बाकी जो भी नंबर होगा अगर वैसा अगर आप करते हैं तो इस तरीके से मिलेगा कि भाई आपका इतना रेंज है टोटल नंबर,
ये या तो पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर वालों ने चला कि क्या करी है, उन्होंने एक और नया फॉर्म निकाला कि अलग से साइन बिट रखना ही नहीं, वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बोलते हैं। वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अगर आप उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो निगेटिव नंबर में आपको एक नंबर ज्यादा मिल जाता है। तो असल में एक्चुअल कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो पॉजिटिव नंबर तो 2^31-1 रख सकता है, लेकिन निगेटिव नंबर -2^31 रख सकता है। तो ये चूंकि कंफ्यूजिंग होगा इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया था, बट इज वेरी राइट जो ऑब्जर्वेशन है कि एक निगेटिव नंबर ज्यादा रख सकता है अपना नंबर, और उसका कोई अपने कंप्यूटेशनल के हिसाब से मकसद नहीं है, बट इफ यू आर गोइंग टू बी अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट देन यू शुड नो दिस नाइसली, अप्रोक्सीमेटली दिस रेंज इज एडिक्वेट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इन एनी केस वी शुड ऑलवेज इंश्योर कि कभी भी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं पूरे प्रोग्राम में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन ना हो कि किसी भी कैलकुलेटेड नंबर को रेंज के बिल्कुल करीब ले जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो तो रेंज के बाहर भी जा सकता है, और रेंज के बाहर गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगी वैल्यू, इतनी गारंटी। जैसे इनको जीरो ही जीरो आ रहे थे फैक्टोरियल जो भी था। सो ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्लियर है किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, ये बताया था कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कैसे गड़बड़ हो सकती है। एवोगाड्रो नंबर था 6.023 × 10^23, अब y को इसमें ऐड कर दिया तो 1.5t, यानी कोई मतलब नहीं है। घर में भी आप मतलब एक लोटे में पानी भरा है और उसमें से आपने एक बूंद डाल दी, अब पूछा कितना हुआ टोटल, तो आप बोलेंगे ये एक लोटा पानी था, उसमें एक बूंद से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ये बड़ी ख्याल रखने वाली चीज़ है कि बहुत बड़ा नंबर दे दिया है तो एक लोटे भर पानी जैसे हो गए, अब आपने एक बूंद डाल दी तो लोटे को समझ में नहीं आता कि बूंद आई गई, तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज, ओके। दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ एरर। जो मेंटिसा की जो वैल्यू है मैक्सिमम जितने डिजिट्स कर सकता है उतने में ही उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं। ये मिक्स्ड अरिथमेटिक के बारे में डम्बो क्या करता है इसके बारे में ये दिया था, यू कैन क्रॉस चेक इट बाय जस्ट सिंपली राइटिंग प्रोग्राम्स। व्हाट हैपेंस व्हेन यू से कि एक इंटीजर नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट से डिवाइड करो, फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर नंबर ऐड करो, इससे क्या होगा ये देखने के लिए। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर कुछ रिमार्क्स दिए थे, ये तो सिंपल है, सब आपको समझ में आ गए, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। ये जो मॉड सिंबल है ये शायद आपने ज़्यादा यूज नहीं किया होता, एम मॉड एन, यानी बेसिकली जो एम दिया हुआ है नंबर उसको एन से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर रहता है वो रिमाइंडर उसकी वैल्यू होती है, ये मॉड ऑपरेशन। देखा था इस तरह से मॉड ऑपरेशन हमने पहले कभी, सो 10 mod 4 is 2, सो 11 mod 5 is 1, 11 से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10 और एक रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचेगा वो मॉड्यूलो रिमाइंडर, सो मॉड्यूलो कैलकुलेशन बोलते हैं इसके लिए। और इसका भी प्रिसिडेंस होता है, जो आप बड़ा एक्सप्रेशन लिखे पहले क्या होगा बाद में क्या होगा ये जानना जरूरी है, लेकिन ये सिंपल चीज़ें हैं ये लोग आप समझ सकते। आदमियों के लिए कमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है, कभी भी प्रोग्राम ना लिखें बगैर कमेंट के, कितनी भी आप जल्दी में हो कुछ कमेंट आपको लिखना बहुत जरूरी है, कम से कम अपना नाम लिख दें, प्रोग्राम क्या कर रहा है वो लिख दें, हो सके तो आपने वेरिएबल के नाम जो लिखे हैं उनका मतलब क्या है ये लिख दें, कोई कॉम्प्लिकेटेड इटरेशन आपने सेटअप किया है तो उस इटरेशन को अपने भाषा में लिखे कि भाई ये इटरेशन ये कर रहा है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका एंड पॉइंट ये है। ये जनरल फॉर्म है फॉर स्टेटमेंट का, XXX YYY ZZZ WWW, ये फॉर स्टेटमेंट में जैसे अपने लिखा था फॉर काउंट इक्वल टू 0 और काउंट इक्वल टू 1 कॉमा काउंट लेस देन इक्वल टू n, सो नॉट कॉमा सेमी कोलन काउंट प्लस प्लस, तो ये तीन एक्सप्रेशन बहुत जनरल और पावरफुल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इनफैक्ट कई जगह ऐसे फॉर इटरेशन लिखे जा सकते हैं जिसमें www है ही नहीं, जरूरत ही नहीं, और www में आपको जो काम करना है वो 50 स्टेटमेंट का भी हो सकता है, लेकिन 0 स्टेटमेंट का भी हो सकता है, ये खाली फॉर हिदायत से आप पूरे काम करवा सकते हो, ये कॉम्प्लिकेशन हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल ये है कि जो फॉर इटरेशन का जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था क्लास में आपको समझ में आ गया फ्लो चार्ट, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो फ्लो चार्ट जो है वो इसेंस कैप्चर करता है ये फॉर इटरेशन का जो है, और जो कंडीशन जो लिखी जाती है वो किस तरह से लिखी जा सकती है, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू के लिए लिखते इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल टू के लिए लिखते एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल, ये सिंबलिज्म है डम्बो को इस तरह समझ में आता है।
और एंड और नॉट ऐसे लिखे जा सकते कंडीशन, लेकिन उसको सी सी प्लस प्लस में एंड या वर्टिकल बार लिखो तो बोलते इसको और, इसको बोलते एंड। ये लॉजिकल कंडीशंस तो आप पढ़े होंगे, एंड और वगैरह मालूम है। ये देखिए एग्जांपल, फॉर जे इक्वल टू 10, जे ग्रेटर देन 0, जे इक्वल टू जे माइनस 1, सी आउट जे स्टार जे एंड एल, इसमें क्या प्रिंट होगा? शुरू में जे 10 है, सॉरी 10 फैक्टोरियल। अभी इसको थोड़ा कंडीशन चेंज करके, कंपैरिजन चेंज करके आप 9 फैक्टोरियल भी प्रिंट करवा सकते हैं, 11 फैक्टोरियल भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये जो कंडीशंस जो लिखी जाती है, इनिशियल वैल्यू जो लिखी जाती है, जो इंक्रीमेंट में जो हिदायत लिखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सोच के देना चाहिए। और ऐसी जब भी आप फॉर इटरेशन लिखेंगे तो मन में कैलकुलेट करना चाहिए कि शुरू में फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा और लास्ट इटरेशन में क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बराबर चल रहा है कि नहीं। क्योंकि इटरेशन एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म, आप वो डम्बो को 1000 बार काम करवा रहे हैं एक ही हिदायत देके, तो वो हिदायत, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस हिदायत में हर बार कुछ तो भी नया चीज हो, एडिशन हो, चेंज हो। ये जो पहले जो अपने प्रोग्राम दिखा था उसका एक थोड़ा इलाबोरेशन अभी यहाँ पे किया है। ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको, तो सॉरी विच वन, और इट इज प्रिंटिंग 10 square, 9 square, etcetera, etcetera. Not factorial, right? 10 square, 9 square. What does this do? So same thing. It's printing squares. फर्क क्या है? यहाँ पे iteration के अंदर हम खाली j vary कर रहे थे, और यहाँ पे j square print कर रहे थे। तो 1 से 10 तक यानी 10 square होता था 100. तो 1, 2, 4, 9, 16 ऐसे प्रिंट होगा, उल्टा आएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सीधा आएगा, लेकिन वही आएगा, यहाँ स्क्वायर होगा क्योंकि आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर कर रहे हैं। सॉरी इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दिस विल प्रिंट व्हाट? ओके, डबल। ओके, बट यू सी हाउ पावरफुल दीज इटरेशन स्टेटमेंट्स आर। यू कैन डू क्रेजी, यू कैन मेक computer do very crazy things using this. So this is a area calculation, area under the curve, and this is where we are given some explanation. So ye jo aapne pucha tha precision, usme jo statement tha precision ka matlab kya hai, to precision ka matlab abhi yahan samajh mein aayega ki ek aisa curve diya hai aur ye integral of under this curve up from 1 to a means area under this curve from here to here. अब इस एरिया को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, या तो एक पूरा एक रेक्टेंगल से अप्रोक्सीमेट करें गलत हो जाएगा, छोटे छोटे रेक्टेंगल से करें, तो जितने ज्यादा रेक्टेंगल्स हों उतना हमारा प्रिसीजन बढ़ेगा। तो जो हमने प्रिसीजन शब्द यूज किया था, वो प्रिसीजन का मतलब यह है कि कितने हमारे इस तरह से रेक्टेंगल्स, 10 रेक्टेंगल हो तो एक प्रिसीजन होगा, 100 होंगे तो अलग होगा, 1000 होंगे तो अलग होगा, 10000 होंगे तो अलग होगा, तो वो हमने उसका नाम दिया था प्रिसीजन। इस तरह से अगर रेक्टेंगल में उसको डिवाइड करें और हर रेक्टेंगल का एरिया हम निकालें और उसको सम कर दें, तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हमने मान लीजिए सोचा था 1000 लेंगे, तो 1000 अगर लिए और टोटल विड्थ जो है सब रेक्टेंगल्स की, यहाँ देखेंगे एक से लेके ए तक है, यानी ये पॉइंट फिक्स है, ये टोटल विड्थ जो है ए माइनस वन है। अब इसको आप 1000 में डिवाइड करो, 2000 में डिवाइड करो, 5000 में डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो इसके लिए 1000 जो है, हम इसको 1000 को प्रिसीजन बोल देते हैं, भाई 1000 हमें बॉक्सेस चाहिए, उसका एरिया कैलकुलेट करना। तो विड्थ टोटल तो ए माइनस वन है, हर रेक्टेंगल की विड्थ फिक्स होगी, हाइट क्या होगी? वो हाइट जो होगी वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक्स है 1 + i - 1 × w और हाइट है 1/x। इसको हमने एक पिक्चर से बताया यहाँ पे, ये कोई आप बीच में एक रेक्टेंगल ले ले, तो इसकी जो विड्थ है वो तो फिक्स है, ए माइनस वन डिवाइडेड बाय एन, जो एन जो है प्रिसीजन है। आप एन अगर 1000 है तो डिवाइड बाय 1000, एन अगर 10000 है तो 10000, ये डब्ल्यू हो गया। अब हमें इसकी हाइट चाहिए क्योंकि तब एरिया आएगा, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाइट क्या है? हाइट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, एंड फंक्शन इज 1/x।
तो ये बताने के लिए नेक्स्ट डायग्राम में क्या है कि अगर x ये हो, अब ये क्या है, 1 प्लस i माइनस 1 इंटू डब्ल्यू। तो यहां पे देखें आप, जो पहला रेक्टेंगल है तो पहले रेक्टेंगल में i की वैल्यू क्या होगी, अगर i की वैल्यू 1 हुई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, इस रेक्टेंगल के लिए i की वैल्यू क्या होगी, 2। तो 1 प्लस w, यानी 1 तो ये पॉइंट है और ये w ऐड हो गया। तो इस तरह से हर बार w w w इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई यहां पर, 1 अपॉन x की वैल्यू है जो 1 अपॉन दिस, ये देखिए हाइट जो है ये हो गई। अब हाइट भी मुझे मिल गई, विड्थ भी मुझे मिल गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। ये रेक्टेंगल का एरिया इस तरह से होता है। अब मुझे हर रेक्टेंगल को ऐड करना है और इसके लिए मैं इटरेशन को यूज कर रहा हूं। तो ये देखिए ये जो इटरेशन है, तो यहां पे फॉर आई इक्वल टू 1 अप टू 1000 एंड आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसमें एरिया इक्वल टू एरिया प्लस दिस। तो अभी आईथ रेक्टेंगल का एरिया मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, जनरल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को किक स्टार्ट करने के लिए एरिया की कुछ इनिशियल वैल्यू होना चाहिए और इनिशियल वैल्यू खाली एक पॉइंट है, जीरो है एरिया, तो इसलिए मैं यहां पे एरिया इक्वल टू जीरो लिखा। ये अगर एरिया इक्वल टू जीरो नहीं करते तो हमारा टोटल गलत है। कोई भी इटरेशन करने से पहले इनिशियल वैल्यू कर देना बहुत जरूरी है, सही वैल्यू देना। उसके बाद ये एरिया हजार बार कैलकुलेट होगा। अब ये कैलकुलेट होने के बाद में आप जब बाहर निकलेंगे उस समय जो एरिया की वैल्यू होगी, हम जाते हैं पुराने स्लाइड के वहां पर, ये देखिए ये यहां से शुरू करेंगे पहला रेक्टेंगल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसको ऐड करते जाएंगे, हजार हो या 10,000 हो, जितने भी हो, सब रेक्टेंगल का एरिया टोटल हो जाएगा। अब देखिए कम रेक्टेंगल हो, जैसे इस पिक्चर में बताया मैंने रेक्टेंगल्स कम है इस फिगर में, तो इसका क्या असर होगा हमारे कैलकुलेशन पे। हमें एरिया तो कैलकुलेट करना है इस ग्राफ के अंदर, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेक्टेंगल का एरिया। तो अब इस रेक्टेंगल का जब एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना जो पोर्शन है ज्यादा आ जाएगा, हमारा सवाल उत्तर गलत हो जाएगा। यहां पे इतना पोर्शन ज्यादा आ जाएगा, यहां पे इतना पोर्शन ज्यादा आ जाएगा। अगर हम ज्यादा रेक्टेंगल्स लें तो ये जो लकीर है वो यहां आने की बजाय यहां आएगी, तो यहां आएगी तो मतलब बहुत छोटा सा एरिया एक्स्ट्रा होगा, तो हमारी गलती कम होगी। इसलिए जितने रेक्टेंगल ज्यादा उतनी हमारी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। या नहीं कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। वो जो आप जो टर्मिनल पे जो बड़ा ओएस डम्बो जो है, वो जो छापता है आपके, जो आपको दिखता है टर्मिनल पे, वो बैक स्लैश एन या एंड एल बोलेंगे तो अगले लाइन पे ले जाएगा आपको, यानी उसके आगे अगर आप सी आउट देंगे कुछ तो अगले लाइन पे आएगा, नहीं तो एक ही लाइन पे वो छापता जाएगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा डम्बो है लेकिन है तो डम्बो ही, बुद्धू है वो, आपने उसको आउट बोल देगा आउट कर देगा। तो इसके लिए हिदायत देनी पड़ती है, भाई अगले लाइन पे जाके लिखो ताकि मुझे समझ आए। तो ये देखिए ये एक प्रोसीजर है, लेकिन इसमें मैंने हजार के लिए लिखा है। अब हजार की जगह मैं और एक कुछ दूसरा इटरेशन देता हूं इसको। इसमें ये चीज बहुत जरूरी है देखना, किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई माइनस वन, आई प्लस वन, इटरेशन हजार तक कर रहे हैं, कहां तक कर रहे हैं। आप गलती कर सकते हैं, अगर गलती करेंगे तो कई बार इस तरह के इटरेशन में या तो एक रेक्टेंगल आप ज्यादा ले लेंगे या एक रेक्टेंगल कम ले लेंगे। इसलिए एंड कंडीशंस जो है वो एग्जामिन करना बहुत जरूरी है इटरेशन सेटअप करते समय, कि इटरेशन बराबर सेटअप हो रहा है कि नहीं। तो ये प्रोग्राम हमने लिखा है, इसको हजार इसमें डिवाइड किया। ओके,